हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, सुबह के बज चुके हैं 8 और आज है 13 मई। तो 13 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, डेली सुबह 8 से 9 के बीच में मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आता हूँ जो कि देश के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों देश में दुनिया में, उन सभी को कवर करते हैं। चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम आप इंडिया में दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पर या फिर आपको कहीं इंटरव्यू देना हो या फिर आपको कहीं ग्रुप डिस्कशन करना हो, सब जगह दोस्तों ये टॉपिक आपके बहुत काम आएंगे और आप हमेशा दोस्तों एक अच्छा पॉइंट है जो कि रख पाओगे, क्योंकि फैक्ट्स के साथ में दोस्तों हम हर चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना द हिंदू सेशन। और द हिंदू के अलावा जितने भी न्यूज़पेपर है सभी को हम लोग कवर करते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था सबसे पहले दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे को लेकर, तो ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो सभी को मालूम है दोस्तों कितनी तारीख को, 11 मई को मनाया जाता है, बी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने दोस्तों ग्रोथ करी है सेल ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर, तो कितनी परसेंट ग्रोथ हुई है लास्ट मंथ, 71% ग्रोथ है जो की हुई है। नदी नीला दोस्तों कहां पर है, तो सभी को मालूम है दोस्तों, आंसर करिए सभी बच्चे जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही है, केरला आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर दोस्तों अभी फिलहाल कितनी है हमारे देश में, ये आपको बताना है। कल हमने बात करी थी दोस्तों मध्य प्रदेश के सबसे बुरे हालात थे, तो नागालैंड के सबसे अच्छे हालात थे और 32 हमारे देश का एवरेज था। कालापानी दोस्तों भारत और किसके बीच में एक विवादित क्षेत्र है, भारत और नेपाल के बीच में। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज पेपर। आज कोट ऑफ द डे जो है वो मैं लेना भूल गया किसी बच्चे का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने द हिंदू से। द हिंदू की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पीएम मोदी जी दोस्तों 8 बजे जो है वो क्या अनाउंसमेंट करके गए। आरोग्य सेतु ऐप दोस्तों कंपलसरी हो गई है, जो भी लोग विदेश से आएंगे उन सभी को डाउनलोड करना। इसके अलावा आपको मालूम है ट्रेनें स्टार्ट हो गई है दोस्तों, तो ट्रेनें स्टार्ट हो गई है तो जनता जो है वो घर के लिए रवाना हो रही है। यहाँ पे बताया गया द हिंदू दोस्तों इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंग्लिश न्यूज पेपर है, ओके, और फोर्थ टाइम इन ए रो, चौथी बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा अखबार का डाटा बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों भारत को एक और समस्या हो गई है कि भारत अमेरिका और चाइना के बीच में फंस गया है, क्योंकि WHO की दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है उसका चेयरमैनशिप अभी भारत के पास में आ गया है, तो ये एक समस्या। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्या मुद्दा है। जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ माइग्रेंट के द्वारा, उसके बाद उनके लिए दोस्तों जो सेवा है बस सेवा वो स्टार्ट कर दी गई। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे पूरी की पूरी न्यूज है। एक और यहाँ पे छोटी सी न्यूज है जो की है आपके म्यूजियम को लेकर। एक जितने भी अपने प्रधानमंत्री है ना, तो म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर है जो कि बनाया जा रहा है, जो नेहरू जी का जो पहले घर हुआ करता था, ओके, नेहरू म्यूजियम है वहां पे, उधर ही बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। इसकी जो लागत है दोस्तों वो 10 से 11 करोड़ रुपए की लागत है। तो इसके लिए दोस्तों CPWD ने जो है वो क्या किया, बिट जारी किया है कि कौन बनाएगा, कौन कंस्ट्रक्शन करेगा, ओके। तो सरकार का इसको 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट करने का प्लान है, 10 से 11 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा है। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट पेज है। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो कल के अनाउंसमेंट की, आपको मालूम है कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि रघुराम राजन जी ने कुछ पॉइंट्स बताए थे अपने कि किस तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी थी जो कि मैंने आपको बताया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो अमेरिका है, ये सभी लोग 10% अपनी GDP का जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है राहत पैकेज के तौर पर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और इंडिया ने उस टाइम पे दोस्तों अपन ने कितना किया था, मात्र 2% के आसपास किया था, ओके। इसी के अंदर दोस्तों 10% और एड ऑन किया गया इंडिया के द्वारा कल, और पीएम मोदी जी ने क्या किया, 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज है जो कि अनाउंस किया है, और सेल्फ रिलायंस के लिए बोला है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बोला है ताकि हम विदेश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। आपको मालूम है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है हमारी डिपेंडेंसी दोस्तों, हमारे जो बिल है उसके अंदर फिस्कल डेफिशिएट जो है, हम ट्रेड डेफिशिएट, फिस्कल नहीं बोलेंगे, ट्रेड डेफिशिएट जो है दोस्तों वो हमारा बढ़ता जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे बोला गया मोदी जी के द्वारा कि कल 2 लाख मास्क है जो कि हम अभी बना रहे हैं, PPE किट बना रहे हैं। पहले हम यहाँ पे कभी एक भी N95 मास्क जो कि नहीं बनाए करते थे। GDP का दोस्तों आपको मालूम है भारत की जो GDP है अभी वो $2.94 trillion है, उसका 10% अगर निकालोगे तो नियर बाय 20 लाख करोड़ के आसपास का आएगा। तो यहाँ पे वो मदद है जो कि दी गई। अब इस 20 लाख करोड़ में से दोस्तों आज निर्मला जी जो है वो पूरी जानकारी देगी कि कितना पैसा जो है वो कहाँ पे जाने वाला है, किस इंडस्ट्री को देने वाले हैं,
लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि 2 से 3 लाख करोड़ की बात करूं तो ये बैंक सेक्टर के, ये आपके एमएसएमई के पास में जाएगा। उसके अलावा फिर मुद्रा लोन जो है उसको बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा कुछ बैंकिंग सिस्टम को दिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज है जो कि दिया गया है, और होपफुली कि इसके अंदर कोई करप्शन ना हो, अच्छी तरीके से पैसा जो है वो नीचे तक पहुंच जाए, तो चीजें फिर भी हमें बेनिफिट है जो कि देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे 10% जीडीपी की बात करी गई तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। कल रात को मैंने वैसे वीडियो बनाया था, आप लोगों में से कितनों ने देखा मुझे पता नहीं, कल रात को मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मोदी जी का जो संबोधन था उसके अंदर जो जो बातें बताई गई थी उन सारी बातों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था, 20-25 मिनट का वीडियो था। तो मुझे पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसलिए कुछ चीजें मैं आपको वापस से बता रहा हूँ जो मैंने कल रात को बताई थी, क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखा होगा। तो जैसे कि भारत की अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमिक पूरे इकोनॉमी में शेयर के बारे में बात करूं तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका 23% तो यूएसए है जो कि देखता है, यूएसए के पास में, समझ रहे हो, 23% पूरी दुनिया का आप समझ सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पे जापान है 5.7, फिर जर्मनी है 4.6, और उसके बाद में दोस्तों यूके हुआ करता था लेकिन जिसको हमने 2019 के अंदर पीछे कर दिया। और अभी अगर मैं बात करूं तो पांचवें नंबर पे कौन है दोस्तों, इंडिया का शेयर है जो कि मोर देन 3.5% के समवेयर है, ठीक है, 4 और 3.5 के बीच के अंदर है। इसके अलावा अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो 2.94 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों भारत की जीडीपी है और दुनिया में पांचवें नंबर की सबसे ज्यादा सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक है दोस्तों। अगर मैं 1980 की बात करूं तो 13वें नंबर पे हम लोग हुआ करते थे और 40 साल के अंदर हम लोगों ने 13वें से 5वें नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। उस टाइम पे नियर बाय 200 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो कि हुआ करती थी। जीडीपी पर कैपिटा काफी कम है, $2,000 के आसपास हमारा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया अपना, एक तो हो गया ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर। आप देख सकते हैं भारत की बात करें ये देखो 2.9 के साथ, फिर यूके फ्रांस हमने इनको पीछे छोड़ दिया था लास्ट ईयर, ठीक है। अगर हम देखें दोस्तों कि भारत क्या, हम जब बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट को लेकर, ठीक है, जैसे कि कल जो बात करी गई मोदी जी के द्वारा वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात करी गई, सेल्फ आत्मनिर्भर बनने की बात करी गई, तो कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कितना टाइम इसके अंदर लगेगा वो दोस्तों आपको मैं जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। जब हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब बराबर आने लग जाएंगे ना, तब हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है जो कि हो गए हैं। अभी फिलहाल करंट के अंदर क्या कंडीशन चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों ने दोस्तों 2018-2019 की अगर मैं बात करूं तो 514 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है जो कि हमने कराया, सामान इंपोर्ट करवाया, जिसमें से 70 बिलियन डॉलर का तो हमने सिर्फ और सिर्फ चाइना से दोस्तों इंपोर्ट कराया है। दूसरे नंबर का यूएसए 35 बिलियन, फिर यूएई दोस्तों 30 बिलियन, उसके बाद सऊदी 29 बिलियन। ये हमारे मेजर इंपोर्टिंग पार्टनर है जिससे हम सबसे ज्यादा सामान इंपोर्ट करवाते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं तो देखिए 350 बिलियन के आसपास हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से एक्सपोर्टिंग पार्टनर हमारा दोस्तों 350 में से 330 में से यूएसए है दोस्तों, सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग पार्टनर। इसलिए हम यूएसए को कभी खोना नहीं चाहते क्योंकि हम यूएसए से सामान खरीदते हैं 35 बिलियन का और बेचते हैं 52 बिलियन। यहीं पर सेकेंड नंबर पे दोस्तों हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएई को, और तीसरे नंबर पे हम चाइना को करते हैं 16 बिलियन डॉलर। आप देखिए चाइना से हम मंगाते तो 70 बिलियन डॉलर का है लेकिन हम चाइना को देते मात्र 16 बिलियन डॉलर है। तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड डेफिशिएंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ट्रेड डेफिशिएंट है, तो ये तो अच्छी बात है। ये सारे बाकी कंट्रीज है जो कि हमारे एक्सपोर्ट के पार्टनर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं इंपोर्ट के बारे में बात करूं दोस्तों तो हम लोग सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है। अगर हम मैं आपसे 550 बिलियन डॉलर के बिल में आप देख सकते हो 168 बिलियन डॉलर तो हमारे क्रूड ऑयल का बिल है, उसके बाद प्रीशियस मेटल, उसके बाद मशीनरी इलेक्ट्रिकल, उसके बाद में कंप्यूटर रिलेटेड मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये हम सारे के सारे इंपोर्ट करते हैं और हमारे पैसा है जो कि इसके अंदर जाता है। अभी हमारे यहाँ पे 50 बिलियन डॉलर का फायदा हो गया क्योंकि हमने क्रूड ऑयल बहुत कम इंपोर्ट करवाया है ना, बिकॉज गाड़ियां तो चली नहीं है। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, देखो एक्सपोर्ट भी हम यही सारी चीजें करते हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। जो भी हम चीजें इंपोर्ट करते हैं ना उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिफाइन करते हैं और हम अपने आसपास के जो देश है ना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको हम लोग बेच देते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया 50 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्रीशियस मेटल 40 बिलियन डॉलर, कंप्यूटर रिलेटेड मशीनरी 20 बिलियन, व्हीकल्स को 18 बिलियन, ऑर्गेनिक केमिकल 17 बिलियन। तो ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग कितना तो इंपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट तो क्या 514 का और एक्सपोर्ट क्या 320 का, तो नियर बाय
200 बिलियन डॉलर का एक ये बहुत बड़ा गैप है दोस्तों, जो कि हमारे सेल्फ डिपेंडेंट बनने में अभी अटका हुआ है। अगर हम इसको कम कर पाए आने वाले सालों के अंदर, समझ रहे हो, और अगर मान लीजिए 10 या 50 बिलियन डॉलर तक अगर हम लेके आ गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं। हम लोग क्या हो गए, हम लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको मालूम है क्रूड ऑयल से लेकर हर रिफाइनरी में इंडस्ट्रीज जो है उसको डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडस्ट्रीज की हालत दोस्तों वो ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो ये देखिए एशिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है जो कि हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं जो कि हम देखने वाले हैं आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। ठीक है गाइज, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर, ओके साथ में गाइज एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 या 10 सेकंड का, आराम से ले लो यार, 5-10 सेकंड का टाइम ले लो और एक बार शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। बहुत कुछ है जो कि डिस्कस करना है अपने को। चलो ठीक है आगे बढ़े। तो यहाँ पे बात करी गई है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर दोस्तों। मैंडेटरी कर दिया गया है जो भी एनआरआई या फिर माइग्रेंट लोग विदेश से आ रहे हैं। ओके, भारत के अंदर बात करें दोस्तों तो केसेस बहुत बढ़ गए हैं। डेथ दोस्तों 2200 से भी ज्यादा लोगों की हो गई है और आप देख सकते हैं कि कैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे। ठीक है, यहाँ पे मृत्यु दर भी दोस्तों धीरे धीरे आगे जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो और बताया गया है वो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए भी बोला गया है। और 70,000 से ज्यादा केसेस हमारे देश में दोस्तों पहुंच चुके हैं, 46,000 के आसपास है जो कि अभी एक्टिव केसेस है। ओके, वही अपने यहाँ पे जो रिकवरी रेट है वो 31.74% है जो कि रिकवरी रेट बताई गई है। फिटेलिटी रेट दोस्तों 2.3% है, यानी जो मृत्यु दर है ना वो 3.2% है दोस्तों अभी COVID-19 के वजह से। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है। साथ में आप देख सकते हैं दोस्तों दुनिया के अंदर टोटल नंबर जो है वो 4.2 मिलियन है, जो कि 4.2 मिलियन पहुंच चुका है। यूएसए 1/3 दोस्तों, ओके, और नियर बाय 2.91 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अंदर अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों तो अपने देश जो है वो 11वें नंबर पे पहुंच चुका है। केसेस दोस्तों रुकने के नाम नहीं ले रहे, 74,000 केसेस है जो कि फिलहाल 8:13 पे हो गए हैं। देखिए चाइना के जस्ट पीछे, मेरे ख्याल से कल परसों के अंदर तो मेरे ख्याल से दो दिन से तीन दिन के अंदर चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो बहुत दुखद है लेकिन जो भी है वो वाली जो भी है रियलिटी है, अब क्या कर सकते हैं। 2400 लोगों की दोस्तों क्या है हमारे देश में मृत्यु हो गई है। ग्राफ अभी भी दोस्तों फ्लैट यहाँ पे नहीं हो रहा है अपने यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि दोस्तों इंडिया एक बीच में फंस गया है यूएसए और चाइना की लड़ाई के बीच में बिकॉज ऑफ द ताइवान स्टेटस। अब मुद्दा समझने की कोशिश करो क्या हुआ है। आपको मालूम है दोस्तों, ठीक है, भारत के लिए तो भाई चाइना भी जरूरी है क्योंकि 70 बिलियन डॉलर का हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं चाइना के ऊपर। हम लोग इतने सालों के अंदर काफी डिपेंडेंट हो गए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी जो है हम लोग जो सामान बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, दुनिया में बेच रहे हैं, उसके लिए भी जो सामान चाहिए होता है वो भी चाइना से आ रहा है। तो पिछले अगर मैं बात करूं 5 से 7 सालों के अंदर काफी डिपेंडेंसी है जो कि हमारी चाइना के ऊपर बढ़ गई। इसलिए चाइना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, अब चाइना भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ओके, और यूएसए तो इंपॉर्टेंट है ही है। यूएसए क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड डेफिशिएट है। हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं, यूएसए को ज्यादा बेचते हैं सामान, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है यूएसए। ठीक है ना, अब ये मुद्दा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, कि भारत के पास में क्या आ गया है दोस्तों, WHA की चेयरमैनशिप आ गई है। अब ये WHA क्या है, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ओके। अब इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो चेयरमैनशिप होती है जिसके पास में, ओके, वो क्या करता है, ऑब्जर्वर का स्टेटस देता है किसी भी एक कंट्री को। ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलने का मतलब यह है कि कोई कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और अभी यूएन का पार्ट नहीं बना है, तो उसको ऑब्जर्वर बना दिया गया अलग से, समझ रहे हो। तो अमेरिका ये बोल रहा है कि भाई ताइवान को जो है वो ऑब्जर्वर का स्टेटस है जो कि देना है। ताइवान आपको मालूम है पूरी तरीके से चाइना है जो कि क्लेम करता है ताइवान को। चाइना का पूरी तरीके से कंट्रोल है तिब्बत के ऊपर, ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, है ना, इन सब के ऊपर। तो चाइना की टेरिटरी के तौर पर ताइवान को देखा जाता है। अब अमेरिका ये बोल रहा है कि ताइवान को अलग करो और इसको एक ऑब्जर्वर का स्टेटस है जो कि WHO में दे दो, WHO के अंदर, ताकि शुरुआत तो है। आज WHO में मिला है, कल को UN में भी मिल जाएगा।
तो शुरुआत करने के लिए बोला है अमेरिका ने, क्योंकि चाइना को कम करना है धीरे धीरे उसकी पावर। ओके, और भारत के पास में क्या आ गया है, डब्ल्यूएचओ में की जो असेंबली होती है डब्ल्यूएचए, उसकी चेयरमैनशिप भारत के पास में अभी आ गई है मई के अंदर, और मई के अंदर इसके बारे में डिस्कशन होगा। अब भारत किसको सपोर्ट करता है, ये भारत के ऊपर दोस्तों बड़ी चिंताजनक स्थिति हो गई है। अगर इधर करे तो भी दिक्कत, इधर करे तो भी दिक्कत। मेरा ये मानना है कि अगर यूएसए को भी फेवर करना ही है तो यूएसए को करे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चाइना को करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाइना ने हमेशा अड़िंगा ही लगाया है भारत के हर काम के अंदर। चाइना को इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मालूम है, चाहे एनएसजी की सदस्यता हो, ओके, चाहे फिर है ना क्या बोलते हैं अपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, पाकिस्तान को बचाना हो, हर जगह चाइना अपोज करता है। तो हमें भी इतना जेनरस नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली दोस्तों हमें भी यूएसए का साथ देना चाहिए। और ये जो दोस्तों इतना बड़ा चाइना के साथ में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। रैपिडली दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि बाहर से भी बिजनेस आए और हमारे लोकल लोग भी क्या हो सके, फ्लॉरिश हो सके। ठीक है, जो मेक इन इंडिया की जो हमने बात कही थी, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, लेकिन उसको सच में रियल पैरामीटर पे उसको जो है फ्लॉरिश करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एससीओ की जो दोस्तों कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर ये 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर भी चाइना और रशिया का यही एजेंडा था कि किस तरीके से पेंडेमिक को देखे, किस तरीके से डब्ल्यूएचओ के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस को लेकर, समझ रहे हो। तो वापस से किसी टाइम पे ऐसा नहीं है कि चाइना के पास, ताइवान के पास नहीं हुआ करता था, ताइवान के पास पहले भी दोस्तों ऑब्जर्वर का स्टेटस हुआ करता था, लेकिन ओवर द टाइम वो चला गया। अब वापस से लाने के लिए अमेरिका है जो कि कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक पोम्पियो जो है उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे जयशंकर जी से बातचीत करी है और अपना स्टैंड है जो कि यहाँ पे रखा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया कोऑर्डिनेट यूएस चाइना स्पेट ओवर डब्ल्यूएचओ, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर दोस्तों टेड्रोस है, जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, और अभी अमेरिका दोस्तों काफी क्रिटिसिज्म भी कर रहा है डब्ल्यूएचओ का। ओके, चाइना को लेकर बोल रहा है कि फेवर कर रहा है डब्ल्यूएचओ दिस एंड दैट, क्योंकि अभी यूएसए के वहां पर भी दोस्तों आने वाले टाइम में इलेक्शन है, और यूएसए के पास में भी खुद की घरेलू जो चीजें है ना, घरेलू जो डेवलपमेंट है उसके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। तो अब कुछ ना कुछ तो मुद्दा क्रिएट करने की जरूरत है। तो चाइना और ये डब्ल्यूएचओ, ये दो बड़े मुद्दे हैं जो कि अमेरिका ने अभी पकड़ रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मीटिंग को और भी कई लोग अटेंड करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, जापान और भी बहुत सारे देश है, नॉन नाटो अलायंसेज जो बहुत सारी कंट्रीज है वो भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि ये क्या होने वाला है इसके ऊपर। डब्ल्यूएचओ के बारे में मालूम है आपको, 7 अप्रैल 1948 को फॉर्मेशन हुआ, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग हेल्थ डे है जो की मनाते हैं। टेड्रोस दोस्तों डायरेक्टर जनरल है, सौम्या दोस्तों स्वामीनाथन अभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, इंडियन बॉर्न है, ध्यान रखिएगा सौम्या स्वामीनाथन, पेपर में पूछते हैं ध्यान रखिए। ठीक है गाइस, बाकी सब तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है, मालूम है बच्चे बच्चे को। पेज नंबर 5 के ऊपर चले दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारी न्यूज ये वाली दोस्तों। तो हम आपको मालूम है कि समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ओके, नेवी के द्वारा हम लोग विदेश से लोगों को लेके आ रहे हैं। अभी माले से दोस्तों 2 INS है जो कि हमारे यहाँ पे लोगों को लेके आ चुके हैं, $40 पर पर्सन है जो कि यहाँ पे चार्ज किया गया है। ओके, पैसा और साथ में INS, पहले तो जलाशय था, ओके, और अभी INS मागर है दोस्तों जो कि लोगों को लेके आया है। INS मागर और INS जलाशय, ये दो नाम ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे दोस्तों पूछेंगे। ओके, केरला के अंदर दोस्तों इसने उतारा है। ठीक है गाइस, एक तो ये रहा INS जलाशय और ये रहा मागर, दोनों के बारे में ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 7, यहाँ पे दोस्तों एक और बहुत ही खतरनाक डाटा है जो कि दिया गया है कि हमारे COVID-19 की वजह से कितनी समस्या है जो कि जीवन के अंदर हो गई है देश के अंदर। और आप देख सकते हैं अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने दोस्तों सर्वे किया है, लाइवलीहुड सर्वे, कि लोगों ने कि इस लॉकडाउन के अंदर लोगों के कितना नुकसान हुआ है, कैसा जीवन है जो कि लोगों को देखने को मिला है। तो एक बहुत ही खतरनाक डाटा आया दोस्तों लॉकडाउन के अंदर, जिसके अंदर बताया गया दोस्तों कि लोगों की जो हंगर है, ओके, वो रूरल एरिया में 70% लोगों को देखने को मिली है, ओके, और अर्बन एरिया में 80% लोगों को देखने को मिली है। यानी कि उन्होंने जो खाना है ना वो कम खाया है कंपैरेटिवली, जो वो लोग जनवरी फेब के अंदर जो खाया करते थे लॉकडाउन के अंदर, उनको लेस फूड है जो कि कंज्यूम करना पड़ा। ठीक है, तो 70% इंक्रीमेंट हमको देखने को मिला रूरल एरिया में, 70% ही नहीं बोलेंगे, पूरी कैपिटल का पूरे पॉपुलेशन का 70% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले मान लीजिए 1,00,000 लोग रह रहे थे, तो अभी 70% हो गया, यानी कि 1,70,000 लोग हैं जो कि ज्यादा है जो कि इस बार भूखे रहे हैं या फिर कम उन्होंने खाना खाया है। असेंशियल आइटम्स की बात करें वो भी उन्होंने कम परचेज किए,
लिया है दोस्तों यहाँ पे 35% लोगों ने अपने घर के खर्चा चलाने के लिए। अर्निंग दोस्तों यहाँ पे माइनस में चले गए, 90% लोगों की अर्निंग चले गई। इनकम दोस्तों 50-40% लोगों की दोस्तों कम हो गई है। फॉल इन वेजेस, डेली वेजेस कम हो गए 50% लोगों के। तो ये पूरा का पूरा मार्केट सिनेरियो जो कि बताया गया कि किस तरीके से इस लॉकडाउन के अंदर दोस्तों हमारे देश के गरीब लोगों को जो है कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जॉब लॉसेस कितनी हो गई। अब आने वाले दिनों के अंदर होपफुली चीजें जल्दी से सही हो जाए और वापस से नॉर्मलाइज हो जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 की बात करेंगे तो हमारे न्यूट्रिशनल टारगेट्स को लेकर बताया गया है। आपको मालूम है दोस्तों कि अपने WHO ने क्या किया था 2015 के अंदर, सॉरी WHO नहीं, UN ने, यूनाइटेड नेशन ने 2015 के अंदर 71 रेजोल्यूशन पास किया था जनरल असेंबली के अंदर और बोला था कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लेके आ रहे हैं और दुनिया के अंदर ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी, दुनिया के अंदर बेहतर हो जाएगी चीजें, इसको हमको अचीव करना है 2030 तक। 2015 में स्टार्ट किया गया और 2030 तक दोस्तों इसको अचीव करने के लिए बोला गया था। अगर ये 17 गोल अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीव कर लेते हैं तो किसी भी देश में या हमारी दुनिया के अंदर बहुत चीजें जो कि अच्छी हो जाती है। पेपर में आपसे पूछते हैं कि नंबर वन बताइए कौन सा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो ये कौन सी है, जीरो नो पावर्टी, दुनिया में पावर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो हर देश को टारगेट दिए हुए हैं और उन देशों को हर साल इसको पूरा करना होता है। 2030 तक अगर ऐसा करते रहे तो दुनिया के अंदर 17 चीजें जो है वो काफी बेटर हो जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर क्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, सस्टेनेबल कम्युनिटीज, इनइक्वालिटी को कम करना है, ओके, डिसेंट वर्क आपको देना है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन। तो यहाँ पे देखो जो पेपर में आता है ना आपसे पूछता है दोस्तों, वो आपसे शुरू के तीन पूछते हैं एक तो ये वाले, ठीक है, पावर्टी, जीरो हंगर और गुड हेल्थ, और साथ में क्लाइमेट वाला भी इंपॉर्टेंट है, 13वां वाला, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसको लेकर, न्यूट्रिशन टाइगर अपने टारगेट्स को लेकर। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन को लेकर स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, लेकिन जो ये इंक्लूड होता है ये गुड हेल्थ और वेलबींग के अंदर इंक्लूड होता है। क्योंकि अगर आपकी अच्छी हेल्थ कब रहेगी, जब आपके अंदर न्यूट्रिशन जाएंगे। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3 वाले पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई दोस्तों और हमारे लिए यहाँ पे एक जो बैड न्यूज ये है कि दुनिया के सबसे वर्स्ट 3 कंट्रियों के अंदर हम लोग हैं अभी। इंडिया दोस्तों दुनिया के 3 वर्स्ट कंट्रीज के अंदर है, साथ में नाइजीरिया और इंडोनेशिया भी हमारे साथ में है यहाँ पे, जहाँ पे स्टनिंग जो छोटे बच्चे रह जाते हैं ना उनका वेट सही नहीं रहता, साथ में आपको मालूम है ना कि न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाते, अनिमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव एज दोस्तों बहुत कम है ना, बच्चों का ओवर वेट बढ़ रहा है तो मोटे हो रहे हैं बहुत ज्यादा ओबेसिटी की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं बिल्कुल जो है इसकी वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो इनइक्वालिटीज माल न्यूट्रिशन के अंदर देखने को मिली है और ये यहाँ पे बताया गया है। भारत दोस्तों उन 88 कंट्री में से है जो कि इस बार ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट जो कि 2025 तक अचीव करने के लिए बोला गया था उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके, 88 कंट्रीज है दुनिया के अंदर ऐसे जो कि अचीव नहीं कर पा रहे, और लास्ट 3 के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अपना इंडिया उसमें से एक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों पूरा डाटा बताया गया अंडर वाटर चिल्ड्रन, अंडरवेट चिल्ड्रन को लेकर और ये सब को लेकर। ठीक है गाइस, अगर ये देख सकते हो आप दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतर कंट्रीज है जो कि अचीव कर रहे हैं अपने ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स जो भी ग्लोबल है ना ये गोल्स को, तो उसके अंदर सबसे आगे है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क देखिए सब पॉइंट में सबसे आगे है, उसके बाद में स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्लोवेनिया, यूके, ये सारे कंट्रीज है जो कि गोल को अचीव कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे नंबर देख सकते हो आप इनके काफी बेहतर है। अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री की दोस्तों, तो हमारे कंट्री दोस्तों 115वें नंबर पर है दुनिया के अंदर। ठीक है, पॉइंट आप देख सकते हैं कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, सारे पॉइंट जो है देखो 2-3 कैटेगरीज में ये 80-90 के ऊपर, इसके अलावा भारत जो है वो बांग्लादेश हमारे नीचे है, इराक है उसके नीचे है, ओके इस तरीके से, और ऊपर साउथ अफ्रीका, म्यांमार, नेपाल ऊपर है, घाना ऊपर है, कुवैत, मॉरिशस, ओके ये सारे, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज इंडिया से ऊपर है। चाइना इसके अंदर दोस्तों टॉप 50 के अंदर है, चाइना भी काफी ठीक कर रहा है, टॉप 50 के समवेयर है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की दोस्तों। यहाँ पे चाइना के बारे में एक और न्यूज बताई गई है कि चाइना क्या कर रहा है, अपनी एंटायर पॉपुलेशन को दोस्तों क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 1.1 करोड़ की पॉपुलेशन है 11 मिलियन की यहाँ पे। ठीक है, तो 11 मिलियन की पॉपुलेशन को दोस्तों क्या कर रहा है, ये
ठीक है, टेस्ट कर रहा है यहाँ पे वुहान सिटी के अंदर, क्योंकि अभी पिछले 7 दिनों के अंदर यहाँ पे वापस से 5 केसेस है जो कि देखने को मिले हैं। तो उसको डर यह है कि वापस से सेकेंड वेव दोस्तों वापस से वही हालत ना कर दे जो कि फर्स्ट वेव ने इनका किया है। तो सेकेंड वेव वापस से इतने प्रॉब्लम ना करे, इस वजह से एंटायर पॉपुलेशन को ये लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है जो कि कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं ना उनसे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है जिससे ये लोग पता कर लेंगे, ओके। तो वो कराने के लिए बोला जा रहा है। साथ में दुनिया में रशिया दोस्तों हालत खराब, रशिया दुनिया में सेकंड नंबर पे आ चुका है। सच बात है क्या, एक बार देख लेते हैं यार रशिया का भी हालत, बाप रे। ये देख सकते हो आप, यूएसए के बाद में दुनिया में सेकंड नंबर पे रशिया पहुंच चुका है। रशिया के अंदर भी जबरदस्त केस इंक्रीज हुए हैं पिछले 7 दिनों के अंदर। स्पेन, यूके, इटली सबको पीछे छोड़ दिया रशिया ने, ठीक है। तो दुनिया की जो दो सबसे बड़ी ग्लोबल पावर रशिया और अमेरिका, वही सबसे ज्यादा जूझ रही है आज के टाइम पे कोविड-19 से। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर दोस्तों 16 के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक तो अपने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों वुमेन अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप हमारे यहाँ पे होने वाला था दोस्तों, ओके, वहां पे क्या हो रहा है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था 2020 में होने वाला था। अभी इसको फैब टू मार्च 2021 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। आप देख सकते हो, ओके, 2021 के फैब से मार्च के बीच में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2008 के अंदर ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। जान के आपको हैरानी होगी दोस्तों, वुमेन अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो सबसे ज्यादा बार, दो बार दोस्तों नॉर्थ कोरिया है जो कि चैंपियन रहा है। लास्ट टाइम 2018 में हुआ था यूरोप में, जहां पे स्पेन ने चैंपियनशिप जीती, और 2021 के अंदर इंडिया के अंदर दोस्तों ये होने वाला है, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जीआई टैग है, यहाँ पे एक और न्यूज है छोटी सी, ये देखो नीचे वाली जीआई टैग को लेकर, ये भी डिस्कस करेंगे। और एक ये अपने मनप्रीत सिंह है दोस्तों, जो कि टीटी के बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है, फॉरेन के अंदर थे अभी ये। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों जो कि जीआई टैग को लेकर है। देखो झारखंड का एक तो सौरई खोवर, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग जो है ना, पेंटिंग का करने का तरीका है झारखंड का दोस्तों, सौरई कोवर पेंटिंग। और तेलंगाना का दोस्तों एक क्या है, तेलिया रुमाल है। इन दो चीजों को दोस्तों क्या मिला है, जीआई टैग है जो कि मिला है। ये तो है आपके झारखंड का, जेके का मतलब जम्मू कश्मीर नहीं है, झारखंड है। और ये जो है दोस्तों ये है आपके तेलंगाना का, ठीक है गाइस। और अपनी जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो मिला है, जो ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है, उनके द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है। सौरई कला महिला विकास आयोग है, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। लोकल ट्रेडिशन है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, लोकल ट्रेडिशन के तौर पे सौराई पेंटिंग है जो कि काफी करी जाती है। यहाँ की जो लोकल ट्राइब है दोस्तों झारखंड की, वो लोग इसको काफी प्रैक्टिस करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे, है ना, कई जगह बार जो है ये पेंटिंग से जो कि ये लोग बना के रखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कॉटन का काम होता है ये सिलाई रुमाल वाला, ये भी बहुत फेमस है दोस्तों तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके की पेंटिंग से जो कि ये होती है, पहली वाली जो मैंने बताई ना सौराई, देखो ये सौराई पेंटिंग्स है, और ये आपका रुमाल है, ठीक है, तैलिया रुमाल। ये देखो ये बहुत चीजों में काम में आता है, कॉटन का होता है, काफी चीजें बनाने के काम में आता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, अटल पेंशन योजना को दोस्तों 5 साल है जो कि पूरे हो चुके हैं, ANI की न्यूज है। तो अटल पेंशन योजना दोस्तों जो कि एक फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी गवर्नमेंट के द्वारा लेके आई गई थी, जिसको 5 साल सक्सेसफुली हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना से पहले इस योजना का नाम था स्वालंबन योजना। स्वालंबन योजना दोस्ती जो थी उसकी का नाम बदलकर अटल पेंशन योजना है जो कि करी गई थी। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, पहले राजीव गांधी स्वच्छ अभियान हुआ करता था, उसी तरीके से जो है ये योजना पहले स्वालंबन योजना हुआ करती थी। और लेकिन हमें जो है ना, जब स्वच्छ भारत अभियान नाम चेंज हुआ तो उसके रिजल्ट हमको काफी अच्छे देखने को मिले थे वैसे, है ना। और आज भी मुझे लगता है कि काफी लोग अवेयर हुए हैं साफ सफाई को लेकर, और अभी तो बहुत जरूरत है, लेकिन पहले से काफी कंपैरेटिवली काफी देखने को मिला है पिछले 4-5 सालों से, अच्छी बात है ना। अटल पेंशन योजना की बात करें तो यहाँ ये क्या है दोस्तों, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए क्या है, एक पेंशन योजना है। इसमें क्या होता है, जो 18 साल से जो 40 साल तक के लोग हैं वो हर महीने कुछ कुछ 20-50, 100-200 रुपए अपना जमा कर सकते हैं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो अकॉर्डिंगली जैसा उन्होंने पैसा जमा कराया उसके अकॉर्डिंगली, प्लान के अकॉर्डिंगली, आपके उम्र के हिसाब से 1,000 से 5,000 रुपए पर मंथ है जो कि मिल जाएगा आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और अगर डेथ हो जाती है तो लाइफ टाइम तक उनकी जो वाइफ होगी उनको दोस्तों ये पेंशन है जो कि मिल जाएगी, ठीक है गाइस। 2015 के अंदर इस योजना की शुरुआत है जो कि करी गई थी, और ये मैंने आपको बता दिया अंडर प्रिविलेज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी,
ठीक है गाइज, इसके अलावा 18 से 40 साल तक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये सारी चीजें अपन बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं न्यूली बॉर्न ऑलिव रिडले टर्टल दोस्तों, उड़ीसा कोस्ट के ऊपर अभी पैदा हो चुके हैं, अभी वापस से अपनी जर्नी दोस्तों सी की तरफ वापस से जा रहे हैं। आपको मालूम है जो सीजन होता है इस टाइम पे ऑलिव रिडले टर्टल दो की दोस्तों सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, वो आते हैं हमारे यहाँ पे, ब्रीडिंग करते हैं, उसके बाद में फिर वापस जो है जब नए बच्चे होते हैं वापस से वो सी की तरफ चल देते हैं। ठीक है, आपको मालूम है जो अपना गहिरमत है, ओके, साथ में अपना ऋषिकुला है, ये दो दोस्तों बहुत जबरदस्त जगह है जहाँ पे एग्स है जो कि ले डाउन है जो कि यहाँ पे करे जाते हैं, हैचिंग होती है यहाँ पे दोस्तों सैंड के अंदर, और उसके बाद में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। नियर बाय 2 करोड़+ ऑलिव, ठीक है गाइज, और ऑलिव का जो कलर होता है उसी के नाम से इनका नाम है जो कि रखा गया है, और वार्म वाटर के अंदर दोस्तों मिलते हैं पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन के अंदर, 1000 किलोमीटर के लिए दोस्तों फीडिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। ओके, इसके अलावा मास नेस्टिंग को बोलते हैं अरीबाडा। ओके, ये क्या है, ये एक मास नेस्टिंग को अपन कहते हैं अरीबाडा, ठीक है गाइस, जिसके अंदर 1000 किलोमीटर फीमेल आती है बीच के ऊपर, मेल भी आते हैं, ठीक है, उसके बाद कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद में बच्चे बच्चे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो उड़ीसा के दोस्तों काफी फेमस जगह है ना, भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, बाकी सब हो गया, और हमने इनको क्या क्या रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हमने इनको कंजर्व भी कर रखा है। ये देख सकते हो अब एरिया दोस्तों, ये वाला एरिया है, ये देखो ये गहिरमत है, देवी माउथ है, ये रुश्किला है, ये सब चीजें, ठीक है गाइज, ये देखिए, और यहाँ पे ह्यूमन को अलाउ नहीं होता है ना, उस टाइम पे पूरा पैक कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, रमेश जी ने दोस्तों क्या किया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉन्च करी ओडिशा की हेल्पलाइन के साथ, भरोसा के साथ, ताकि बच्चों को मदद है जो कि अवेलेबल करवा सके। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की हेल्पलाइन है भरोसा, यूनियन मिनिस्टर जो एचआरटी है दोस्तों, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की हेल्पलाइन नंबर है भरोसा वो लॉन्च करी, ताकि जो भी बच्चे टेंशन के अंदर है उन सबकी मदद है जो की जा सके, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों ये नंबर है जो कि लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय गवर्नमेंट ने भी पहले नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया था 82 के अंदर, जिसके अंदर कोई भी किसी को अगर मेंटल इलनेस है, कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, हेल्प है जो कि ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों बोला था हेल्थ केयर को एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला था दोस्तों सरकार को कि आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखने की जरूरत है। इसी वजह से आपको मालूम है जो गार्डन वार्डन होते हैं ना, उसके अंदर ऊपर जिम जो है वो बहुत जगह पे लगा के रखते हैं, है ना, ताकि लोग आगे अपने फिजिकल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सके। ठीक है गाइज, ये सब चीजें। ओके, स्कूल के अंदर भी करिकुलम में एड ऑन किया गया था 2001 के अंदर। इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को दोस्तों रेन्यूएबल एनर्जी का सेक्रेटरी है जो की अपॉइंट कर दिया गया है, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है झारखंड कैडर के दोस्तों, ठीक है, क्या नाम है, इंदु शेखर चतुर्वेदी जी। इसके अलावा रिसेंटली ब्यूरोक्रेसी में काफी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी रवि मित्तल जी को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दिया गया, ठीक है, इसके अलावा अमित खरे जी को मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सीबीएसई चेयरमैन अनिता जी को दोस्तों सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और लिटरेसी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वैसे आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तरुण बजाज वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर सेक्रेटरी है जो की बनाया गया, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने दोस्तों स्टडी करी है अल्ट्रावायलेट जर्मिटा, ठीक है, यहाँ पे जर्मिसाइडल रेडिएशन की दोस्तों, जर्मिसाइडल रेडिएशन की, ताकि क्या कर सके, कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सके। एक्चुअली के अंदर क्या हुआ है कि साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोग कोरोना वायरस को स्कूल में, रेस्टोरेंट में, पब्लिक प्लेसेस में खत्म कर सकते हैं क्या, समझ रहे हो, उसकी लाइट से क्या हम इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं क्या, ताकि हम लोग क्या कर सके, पब्लिक प्लेसेस पे इसके कंटेमिनेशन को रोक सके। आपको मालूम होगा रिसेंटली डीआरडीओ ने दोस्तों डेवलप किया था एक ऑटोमेटेड कॉन्टेक्टलेस यूवी सी डिवाइस किया था, जिसका नाम ध्रुव रखा गया था। इससे हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे डिवाइसेस को क्या कर रहे थे, इम्यून कर रहे थे, डिसइंफेक्ट कर रहे थे। तो उसी की तर्ज के ऊपर दोस्तों ये बात करी गई है कि अगर डीआरडीओ अल्ट्रावायलेट को यूज कर रहा है तो उसको नॉर्मल जगह पे भी यूज किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट लाइट्स की बात करें तो दोस्तों आपको मालूम है सन से हमको मिलती है, ओके, और हमें यहाँ पे ए बी सी तीन तरीके की जो दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो कि आती है, और हम उनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज है जो कि करते हैं। छोटी वेवलेंथ होगी तो ज्यादा हार्मफुल होगी दोस्तों, ठीक है, और साथ में हमारे बॉडी में पेनिट्रेट भी कम होगी। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूवी लाइट दोस्तों किल करती है सेल्स को, है ना, और एक्सपोजर बढ़ा देती है दोस्तों सेल्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, और कैंसर का भी दोस्तों वन ऑफ द रीजन होता है, स्किन कैंसर आपको मालूम है ना, इसके वजह से भी होता है।
तो आप देख सकते हो अल्ट्रा वायलेट ए जो है दोस्तों ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है और ये ज्यादा नुकसान नहीं करती है, अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाती है 95%, हमारी स्किन की डीप के अंदर पेनिट्रेट करती है। और टैनिंग जो होती है ना, आपको मालूम है टैनिंग हो जाती है, गोवा हुआ कभी जाते हो ना बीच बीच में तो टैनिंग हो जाती है आपको, तो इसी वजह से होती है ना, स्किन कैंसर का भी डेवलपमेंट हो जाता है अगर आप उसी का एक्सपोजर बहुत टाइम तक बढ़ाते रहो तो। फिर वैसे बी होती है मीडियम वेवलेंथ दोस्तों, ये मीडियम तक पेनिट्रेट करती है, ओके, बर्निंग होना, टैनिंग होना, एजिंग होना स्किन की, ये सारे काम ये करती है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के द्वारा इसको फिल्टर कर दिया जाता है। तो सी होती है दोस्तों ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है और हमारी ओजोन लेयर इसी को दोस्तों क्या कर देती है, रोक देती है। इसीलिए बोलते हैं ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मफुल वाली को दोस्तों वो रोक देते हैं। वैसे ही दोस्तों अभी जो UVGI जो है ना, जो अभी डेवलप किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ना, बताया ना अभी मैंने आपको, ये देखो UVGI अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइडल रेडिएशन, तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज होगी इससे और ये क्या करेगा, इसकी वेवलेंथ से आसपास की चीजों को क्या करेगा, डिसइंफेक्टेड करेगा। ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी एनर्जी किस तरीके से सब एटॉमिक में, एटॉमिक में गामा रेज होती है, एटम्स में एक्सरे, अल्ट्रावायलेट मॉलिक्यूल्स, प्रोटोजोआ विजिबल लाइट, ह्यूमन सेल्स में इंफ्रारेड, सैंड के अंदर, ठीक है, माइक्रोवेव्स, इंसेक्ट में माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इस तरीके से यहाँ पे पूरा बताया गया है। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आपने मेरे स्पेशल फ्री सेशन ज्वाइन नहीं करते हो अनअकैडमी पे तो ज्वाइन कर लिया करो, आज 11:30 से 12:30 के बीच में जो क्लास है वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त अच्छे लेवल के बुद्धिज्म के ऊपर, और 12:30 से दोस्तों 1:30 के बीच में आज मैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बताने वाला हूँ, ज्योग्राफी के बारे में पूरी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, SSC अपना गोल सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे सर्च करना, सर्च के अंदर भुवनेश शर्मा फॉलो कर लेना, ठीक है, फोटो लगी भी होगी मेरी, फॉलो करने के बाद आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी, फ्री क्लासेस है सारे बच्चों के लिए, चाहे आप UPSC का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, DRDO कर रहे हो, कोई सी भी एग्जाम की कर रहे हो, फ्री क्लासेस होती है, डेली होती है 11:30 से 12:30 फिर 12:30 से 1:30, ठीक है गाइस। चलिए आज हम लोग जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, जो कि अपने फादर ऑफ द नेशन है, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर मैं बात करूं गांधी जी की दोस्तों, तो सभी को मालूम है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के अंदर इनका जन्म हुआ, ओके, इनके जो फादर थे वो दीवान थे दोस्तों पोरबंदर स्टेट के अंदर। जब 18 साल के थे तो ग्रेजुएट हुए इलाहाबाद से, सॉरी अहमदाबाद से, और 1888 के अंदर दोस्तों कहां पे चले गए, लंदन चले गए स्टडी, लॉ की स्टडी करने के लिए। 1893 के अंदर साउथ अफ्रीका गए दोस्तों, ठीक है, अब्दुल्ला की कंपनी थी वहां पे तो उनको असिस्ट करने के लिए गए। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला जब उनको फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया, जो कि फर्स्ट क्लास टिकट जो है उनकी कंपनी के द्वारा उनको अवेलेबल करवाई गई थी, ये बोल के कि ये सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए होती है, ठीक है गाइस। उसके बाद में 84 के अंदर उन्होंने नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी और वहां पे इंडियंस जो रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए काम किया। 1915 में दोस्तों देश में आए, 21 साल दोस्तों साउथ अफ्रीका में बिताने के बाद NRI डे दोस्तों इसलिए मनाया जाता है आपको मालूम है, ओके, और INC को ज्वाइन किया, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना मेंटर मानते थे। 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह बिहार में, ओके, आपको मालूम है अहमदाबाद, यहाँ पे गरीब लोगों के लिए, मजदूरों लोगों के लिए यहाँ पे इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करे, सत्याग्रह किया, हंगर स्ट्राइक करी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दोस्तों अहमदाबाद के अंदर भी सुलझाया कॉटन मिल के अंदर। 1924 के बेलगाम सेशन में दोस्तों प्रेसिडेंट रहे। 28 के अंदर कैलकटा सेशन जो था, गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्न कर दिया था कि देश छोड़ने के लिए, एक साल के अंदर 1928 में, एक साल के लिए। आप सोच सकते हैं कि दोस्तों मतलब उस टाइम पे ना कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं, लेकिन गांधी जी ने दोस्तों इतना बड़ा रिवोल्यूशन अपने प्रिंसिपल्स के द्वारा, अपनी विचारधारा के द्वारा, अरे भाई दुनिया में जो लड़ाई होती है वो विचारधारा की होती है, हथियार तो दोस्तों कम पड़ जाते हैं, समझ रहे हो, तो दुनिया में जो भी रिवोल्यूशन हुए ना, जो बदलाव आया है वो हमेशा विचारों के दम पे ही आया है हमेशा, तो ये विचार दोस्तों उनके इतने जबरदस्त थे कि पूरा देश उनके साथ में खड़ा हो गया था। चलते थे तो पीछे कारवा चल पड़ता था, कोई फोन नहीं, कोई कैंपेनिंग नहीं, कोई जो है किसी को गाड़ी घोड़े की सुविधा अवेलेबल नहीं, समझ लो। आज के टाइम पे क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे जो है घर घर जाके जो है लेके जाते हैं आप लोगों को वोट डलवाने के लिए, समझ लो। ऐसा अभी कोरोना वायरस के अंदर टेस्टिंग के लिए भी तो कर सकते हैं, या गरीबों को खाना देने के लिए भी तो कर सकते हैं, तो गांधी जी के प्रिंसिपल क्या पीछे रह गए बहुत। गांधी जी के प्रिंसिपल थे कि जो नीचे का लेवल है उसको इंप्रूव करो, ऊपर वाला लेवल अपने आप हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसी इनकी विचारधारा की वजह से साउथ अफ्रीका और न जाने कितने देश दोस्तों इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर दोस्तों आजाद हो गए, समझ रहे हो। बस प्रॉब्लम यह कि हमारे देश में ही गांधी जी को गलत तरीके से देखा जाता है, गलत बच्चे बोलते हैं, एक फैशन सा बन गया है गांधी जी को लेकर कुछ भी बोलना, ओके, बिन बात ही
आपने जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका अच्छा उनका अलग कंट्रीब्यूशन था, भगत सिंह जी का अलग कंट्रीब्यूशन था, नेहरू जी का अलग कंट्रीब्यूशन था, गांधी जी का अलग कंट्रीब्यूशन था, सबको हम कोरिलेट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। और देखिएगा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच में ऑब्वियसली बहुत बच्चों को ऐसा लगता होगा कि गांधी जी गलत है, तो आप एक बार पढ़िएगा। क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हो ना, जब आप ज्ञान के सागर में डूबते हो तो आपके बहुत सारे जो है ना जो आपके मिथ होते हैं वो गलत हो जाते हैं। जब जब आप बिन पढ़ाई करके कुछ भी बोलोगे, यकीन मानिए 70% पॉसिबिलिटी है वो चीज गलत होगी, समझ रहे हो। और जब जब आप किताबों के अंदर डूब जाओगे, गांधी जी के बारे में पढ़ने लगोगे, उनके विचारधारा पढ़ने लगोगे, आपको खुद को महसूस होगा कि ये आदमी मतलब किस लेवल के आदमी थे। ऐसे ही दोस्तों थोड़ी ना दुनिया के अंदर बड़े बड़े जितने भी आप लोग सुनते हो सबने दोस्तों गांधी जी को फॉलो किया है, समझ लो। जितने भी मंडेला मंडेला से लेकर जितने भी बड़े बड़े ओबामा ओबामा से लेकर जितने भी बड़े बड़े लोग आप जानते हो ना, यहाँ तक कि हिटलर ने भी लास्ट में जाने से पहले गांधी जी की चिट्ठियां पढ़ के एक्सेप्ट किया था कि अगर मैं मान लेता बात तो आज जर्मनी की हालत नहीं होती, समझ लो। तो बहुत जबरदस्त विचारधारा के आदमी थे। 1930 के अंदर दोस्तों क्या किया, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस दोस्तों उन्होंने जो है सेलिब्रेट करने के लिए बोल दिया 26 जनवरी को लाहौर सेशन के अंदर, लेकिन इंडिपेंडेंस उस टाइम पे नहीं मिली और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो कि लॉन्च किया दोस्तों, और दांडी से अहमदाबाद तक के लिए पैदल 350 किलोमीटर चल पड़े। कुल इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया 1942 के अंदर दोस्तों, और डू और डाई का स्लोगन है जो कि दिया दोस्तों, ठीक है। गाइस हमारे गाँव के अंदर खादी को लेकर बढ़ावा देना, लोकल लोगों को काम देना, गांधी जी के प्रिंसिपल सोशलिज्म वाले, सॉरी गाइस। अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भुवनेश 10 है जो कि आप अपना रेफरल कोड लगा सकते हैं, 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है गाइस। ओके, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे कोई कैट का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, सीडीएस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, स्कूल का हो, आप भुवनेश 10 यूज कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा गाइस, जिसके अंदर मैं एंटायर जीके आपको करवा रहा हूँ। एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, सारे वाईफाई स्टडी के टीचर की क्लासेस मिल जाएगी। और मेरा बैच चल रहा है एसएससी में, जिसमें स्टैटिक जीके से स्टार्ट किया है, इंडिया के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है। उसके बाद मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा अगले महीने, उसके बाद में आपको हिस्ट्री, उसके बाद में पॉलिटिक इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद 1000 टफ क्वेश्चन है जो कि कराने वाला हूँ, ठीक है गाइस। करना क्या है, एसएससी कैटेगरी में जाना है, अकेडमी ऐप में, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में, उसके बाद में 12 महीने का लेना है आपको, ठीक है, ताकि आप एक अच्छी पढ़ाई कर सको दिल लगा के। ₹500 पर मंथ होगा, रेफरल कोड अगर लगा दोगे BHUNESS भुवनेश 10 तो ₹450 पर मंथ में आप एसएससी के जितने भी सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। पूरे साल आपको एसएससी के सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। उसी प्रकार से 24 महीने का लेते हो तो ₹300 पर मंथ है, रेफरल कोड लगाने के बाद ₹270 पर मंथ है जो कि आपको पड़ेगा। देखिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल, अटल पेंशन योजना दोस्तों कौन से साल रिलीज करी गई थी। अगला सवाल है, गहिर मत था सेंचुरी दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा केंद्रीय विद्यालय के हेल्पलाइन डैश का शुभारंभ दोस्तों पोखरियाल जी के द्वारा किया गया, क्या नाम है हेल्पलाइन का। निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी विकिरण सबसे कम वेवलेंथ होती है, विकिरण की सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत दोस्तों कब लौटे थे, ठीक है गाइस। तो ये थे आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे स्पेशल क्लास में 11:30 से 12:30 के बीच में और 12:30 से 1:30 के बीच में, ठीक है गाइस। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।